लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड चैप्टर कॉन्टिनेंट एशिया. चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट. द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन. ये कॉन्टिनेंट आधे से ज़्यादा वर्ल्ड का टिन प्रोड्यूस करता है. चाइना मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स. चाइना मलेशिया और इंडोनेशिया वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं टिन के. चाइना ऑल्सो लीड इन प्रोडक्शन ऑफ लेड एंटीमोनी एंड टंगस्टन. एशिया ऑल्सो हैज डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज बॉक्साइड निकल जिंक एंड कॉपर. एशिया के पास और कौन कौन से डिपॉजिट हैं? मैंगनीज बॉक्साइड निकल जिंक कॉपर. नेक्स्ट आता है यूरोप. यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड. द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रसिया. ज़्यादा डिपॉजिट किसके पास है आयरन ओर का? रसिया के पास है. यूक्रेन स्वीडन एंड फ्रांस. मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर लेड जिंक मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया. यूरोपियन रसिया कौन सा होता है? रसिया का कुछ पार्ट है जो यूरोप में आता है जिसको हम यूरोपियन रसिया बोलते हैं. ठीक है, बाकी पार्ट जो है वो एशिया में आता है. नेक्स्ट आता है नॉर्थ अमेरिका. द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन थ्री जोन्स. जो मिनरल नॉर्थ अमेरिका में मिनरल डिपॉजिट होते हैं नॉर्थ अमेरिका में, वो तीन जोन में पाए जाते हैं. द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, द एपलेशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट. आयरन और निकल गोल्ड यूरोनियम एंड कॉपर माइन इन द कैनेडियन सील्ड रीजन. आयरन और निकल और गोल्ड और यूरोनियम एंड कॉपर कहाँ माइन किए जाते हैं? माइन मतलब कहाँ से निकाले जाते हैं? कैनेडियन सील्ड रीजन से. कोल इन द एपलेशियन रीजन. कोल कहाँ से निकलता है? एपलेशियन रीजन से. वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर. और जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास है उसके पास वहाँ पर क्या है? वास्ट मतलब ज़्यादा, ज़्यादा अमाउंट में क्या है? कॉपर है, लेड है, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर. नेक्स्ट आता है साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर. हाई ग्रेड का जो आयरन ओर होता है वो कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में. ब्राज़ील साउथ अमेरिका में. चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर. ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन. ब्राज़ील और बोलीविया में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टिन प्रोड्यूस किया जाता है. साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ गोल्ड सिल्वर. और यहाँ पर गोल्ड सिल्वर और जिंक क्रोमियम मैगनीज बॉक्साइट माइका प्लेटिनम डायमंड तक पाए जाते हैं. मिनरल ऑयल इज ऑल्सो फाउंड इन वेनेजुएला अर्जेंटीना चिली पेरू एंड कोलम्बिया. यहाँ पर मिनरल ऑयल पाया जाता है. नेक्स्ट है अफ्रीका. अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज. अफ्रीका में मिनरल रिसोर्सेज अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं. इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड. यहाँ पर सबसे ज़्यादा डायमंड निकाले जाते हैं, मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम. साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे एंड ज़ाइर प्रोड्यूसर लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड. सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे एंड ज़ाइर. द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर आयरन और क्रोमियम यूरेनियम कोबाल्ट एंड बॉक्साइट. ऑयल इज फाउंड इन नाइजीरिया लिबिया एंड अंगोला. यहाँ पर ऑयल फाउंड किया जाता है, मिलता है मतलब. ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में. ठीक है, और यहाँ पर गोल्ड है, डायमंड है, आयरन और निकल, ये टिन, ये सब भी प्रोड्यूस होता है. ऑल्सो रिच इन कॉपर लेड जिंक एंड मैंगनीज. कलगुरली एक जगह है. कलगुरली एंड कूलगाडी एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड. ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ पाया जाता है? कलगुरली और कूलगाडी में. अब आता है अंटार्कटिका. द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशेंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट सम प्रोबेबली लार्ज सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल इन द ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ द ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड. फोरकास्टर मतलब यहाँ पर पहले से ही घोषणा कर दी गई, पहले से मतलब फोरकास्ट हो गया किसी चीज़ को. पहले से ही अगर हम पहले से उसकी
घोषणा कर देते ना, मतलब फोरकास्ट कर देना। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉमर्शियल क्वान्टिटीज। कॉमर्शियल मतलब जो कि बेचा जा सके, ठीक है। यूजेस ऑफ मिनरल्स, अब मिनरल के कौन कौन से यूजेस होते हैं। मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल विच आर यूज फॉर जेम्स, जेम्स मतलब जो जो ऑर्नामेंटल में ऑर्नामेंटल थिंग्स होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। जेम्स आर यूजली हार्ड, कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल ऑफ फॉर ज्वेलरीज, ज्वेलरीज में सेट किए जाते हैं। कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरी थिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स। कॉपर कॉइन से लेकर पाइप्स तक में यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन यूज इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑप्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। सिलिकॉन कहाँ से मिलता है, क्वार्ट्ज से, जो कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑप्टेन फ्रॉम इट्स ओर। एल्यूमिनियम कौन से ओर से पाया जाता है, बॉक्साइट ओर से। यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स। बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड इवन इन द किचन कुकवे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, अब मिनरल का हमने यूज़ तो कर लिया लेकिन हमें कंजर्व भी करने पड़ेंगे। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो कि ज़्यादा टाइम लगता है जिनको रिन्यू होने में। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स। द रेट फॉर फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर दैन द रेट एट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दीज मिनरल्स। जिस अमाउंट में ह्यूमंस इन मिनरल्स को कंज्यूम करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा टाइम लगता है इनको दोबारा से फॉर्म होने में। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। जो माइनिंग के प्रोसेस में हम वेस्ट करते हैं उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। और मिनरल रिसोर्सेज हम कैसे कर सकते हैं कंजर्व, रिसाइकिल करके, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पावर रिसोर्स। सनीज मदर, ये तो पूरी है स्टोरी, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। पावर और एनर्जी प्लेस अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ। पावर